जानते हैं कि हम लाहौती मेले में डे टू पे हैं और हमारे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट, सिंगर्स और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी कुछ मजा लेते हैं भाई दाई से, वो भी ढाकी में। तो अम्मा की प्यो लगे हमारा तो की है सुठो मेलो है, भलो मेलो है, मानो जजा है। अमी जना थाया दा जना सजाना डिठो दो वेजारा सब इता माना सुनता दे तो माने की लगो सुठो लगो। हां अमी ऐसा वेजारा ना की पैगाम दे सो के की सीखी या की अजरे नौजवान ओ नौजवान सीखे मेहनत करे कुछ तो काम आया माना लाहौती में हर साल अमी आओ दा जी तो माने जाम मजो आ दो सुठो है भलो है। जियन ता डिठो ता असा सा के माई दाई हुई जेका ढाकी में गलायो पे जेको पांजो एक्सपीरियंस लाहौती मेले ला बुधाय पे आई सिंधी में भी पानो नन का बुदुदा कुछ व्यू ताके मुजा व्यूअर्स हन उनन के सठे में समझ में आचे। त माई दाई असा के थोड़ो जेको है ना पांजे म्यूजिक जे बारे में बुधायो त ता गायन की सिखियो किथा मतलब कदे यो शौक थियो ता के पर शौक नी असन निडे त माप लगाते बस साईं सरदार अली सा गुलाई साईं उवे गुलाई जदे माई दाई जो यो चवण है तो उनके जो है शौक ये थो तो जैसे उन्हें मम्मा है उनके सभी के जो है सरदार शाह जो है एक इंस्पिरेशनली तौर जो है पुटअप किया उन जी अज असा सामूँ एडे वे और आज लाहौती मेले में आकर बहुत अच्छा लगा और मेरे हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है इसे करताल कहा जाता है जो कि पाकिस्तान में सिवाय मेरे और कोई भी प्ले नहीं करता है। ये म्यूजिशियन मैं एज ए म्यूजिशियन भी हूँ, एज ए सिंगर भी हूँ, कंपोजर भी हूँ और मैं सिंधी फोक गाता हूँ, मारवाड़ी फोक गाता हूँ, मेरा ताल्लुक थर से है और आज लाहौती में आके पूरी दुनिया के सामने जितने भी पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आए हुए यहाँ परफॉर्म करके बहुत अच्छा लग रहा है। मां सभी के ये चवंदुस त अड़न मेलन में शिरकत जरूरी आ तहां जी छो तो किथां किथां का माण्हू इते अचन था इते परफॉर्मेंस कन था। मां स्पेशल थैंक्स दियण चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक डायरी के जे सजी मीडिया के कवरेज an amazing initiative that's the mejo he's like a brother to me aur ye ek bahut bada initiative hai sare artists ko ek sath jama karna aur art ko promote mere khayal se ye hote hai aur ye I believe ye chautha Lahooti Melo festival hai aur mera second time ye performance hai. maine jab apna first bhi bajaya tha I had so much fun और अभी ये सेकेंड है मेरा आया है। रसब आमिर जो अभी परफॉर्म करेंगे निकाल हसन बैंड के साथ, इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगा यहाँ हैदराबाद में आके लाहौती में, तो क्या है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मेरा पहली बार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ निकाल हसन बैंड के साथ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है माशाल्लाह। Famous Algoza Nawaz and here we have Sir Akbar Khamiso Khan. So sir, आज यहाँ पे आप क्या फील कर रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म करने की, आपकी क्या एक्साइटमेंट है? ये मेरा सेकेंड टाइम है लाहौती में 2019 में, इससे पहले भी मैं 2018 में परफॉर्म किया जो हैदराबाद में लाहौती फेस्टिवल हुआ था। बहुत अच्छा यहाँ पे, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि यहाँ पे यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हम जो अपना कल्चर पेश करते हैं उसको अच्छी तरीके से जो है ना लोग समझते हैं, फिर ताकि ये चीज़ जो है ना जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो लोगों को, क्या हमारा जो लोक साज है अलगोज़ा वो क्या चीज़ है। तो आज भी मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा, मेरी कोशिश यही होगी कि आज ना सिर्फ सिंधी कंपोजिशंस बजाऊँ मैं, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो चारों सुबह के जो रिदम्स हैं वो मेलोडी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप एक अलगोज़ा नवाज़ हैं, तो अलगोज़ा क्या है, इसकी बेसिक थोड़ी सी थीम हमें बताएंगे? हाँ, अलगोज़ा हमारे वादी मेहरान का बहुत मारूफ साज है, ये ट्विन फ्लूट्स होती हैं, उसमें एक जो फ्लूट होती है उस पर मेलोडी बजती है और जो अदर दूसरी फ्लूट होती है उसमें एक ही सांस के जरिए उसको कंटिन्यू करके बजाया जाता है, जो सांस यानी नाक से सांस को खींच के गालों में स्टोर किया जाता है, फिर उस एक सुर को कंटिन्यू कर देते हैं और जो अदर जो फ्लूट होती है उस पर मेलोडी बजती है, तो इसको अलगोज़ा कहते हैं। ये हमारा बड़ा कदीम साज है, सिंध का बड़ा मारूफ साज है।